सो हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एट अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। तो आज हम बात करेंगे अल्जीमर डिजीज की। तो अल्जीमर डिजीज एक न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज है, एक प्रोग्रेसिव न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज है, जिसमें कि सब्सिक्वेंटली ब्रेन के सेल्स जो हैं वो कमजोर या डिस्ट्रॉय होते जाते हैं। तो अल्जीमर डिजीज मुख्य तौर से याददाश्त का कमजोर होना उसे कहते हैं। तो ये ज्यादा बढ़ती उम्र के साथ ही कॉमनली देखा जाता है, ज्यादातर 65 साल की उम्र के बाद। तो इसका जो इंसिडेंस है, अगर हम बात करें तो ये 70 इयर्स के बाद की एज पे 10% लोगों में होने की चांसेस रहते हैं, और 85 की एज के बाद ये 20 से 40% तक बढ़ सकता है। तो इसके अलावा अल्जीमर डिजीज किन लोगों में ज्यादा कॉमनली हो सकता है, या इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होना, अगर ये जनरेशन टू जनरेशन फैमिलीज में रन कर रहा है तो सब्सिक्वेंट जनरेशन में होने का रिस्क बढ़ जाता है। जितने भी अल्जीमर्स के केसेस है हम देखते हैं, उसमें से लगभग 2% केसेस जो है वो जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से होते हैं। उसके अलावा रिपीटेड हेड ट्रॉमा होना, सिर पे लगातार चोट लगना, या उसके अलावा स्मोकर्स में, या फिर जिनमें क्रॉनिक ब्रेन की इन्फेक्शंस होना जैसे कि वायरल इन्फेक्शंस, या जिनमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, ब्लड प्रेशर रहना, अनकंट्रोल्ड कोलेस्ट्रॉल रहना, इन लोगों में अगेन जो है अल्जीमर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो लोग कम पढ़े लिखे हों, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होना, होमोसिस्टीन लेवल्स बढ़े रहना, ये सब भी कुछ कारण होते हैं जो कि रिस्क फैक्टर बढ़ाते हैं अल्जीमर्स डिजीज के लिए। तो अल्जीमर्स के लक्षण क्या होते हैं, इसके क्लिनिकल फीचर जो हम बात करते हैं वो क्या होते हैं? तो इसको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और फिर एक जो सीवियर एंड स्टेज हो जाती है। माइल्ड स्टेज में छोटी छोटी चीज़ें मरीज भूलेगा, जैसे कि कहीं चाबी रख के भूल गया, कोई चीज़ रख के भूल गया। तो जैसे जैसे टाइम के साथ प्रोग्रेस करता है डिजीज़, तो पेशेंट के पर्सनालिटी में चेंजेस आने लगते हैं, उसको कई चीज़ का नाम बताना है, वर्ड फाइंडिंग डिफ़िकल्टीज आएंगी, कंफ्यूज रहेगा, जो कि उसके पहचान के रास्ते हैं वो रास्ते भूल जाएगा, जैसे कि घर से ऑफिस रोज़ जाता होगा, धीरे धीरे वो रास्ते भूलना शुरू हो जाएगा। अगर कोई चीज़ वो कुक कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो इंग्रेडिएंट्स उसमें डालना भूल जाएंगे। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते जब सीवियर स्टेज आ जाती है, सीवियर स्टेज में बिल्कुल ही पेशेंट डिपेंडेंट हो जाता है अपनी एक्टिविटीज़ के लिए केयर गिवर पे या फैमिली पे। बेड रिडन हो जाएगा, यूरिन की स्टूल की प्रॉब्लम आएगी, खाने पीने में दिक्कत आएगी, एंड सो ऑन। धीरे धीरे फैमिली मेम्बर्स को भी पहचानना कम हो जाएगा, उनको लगेगा कि फैमिली मेम्बर्स कोई बाहर के लोग हैं जो मुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे अल्जीमर्स प्रोग्रेस कर सकता है। तो अगर किसी भी मरीज में इस तरह के रिस्क फैक्टर लक्षण हो, तो उन पेशेंट्स की रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन सब होनी चाहिए, एक ब्रेन का स्कैन होना चाहिए, और कुछ कॉग्निटिव फंक्शन को टेस्ट करने के लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं, MMSE, मोका, लो फंक्शन टेस्ट, वो करके देखना चाहिए कि पेशेंट किस कैटेगरी में फिट करता है। उसके बाद बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट एक तो चीज़ होती है सपोर्टिव केयर, एक फार्माकोलॉजिकल, एक नॉन फार्माकोलॉजिकल हम बात करें। तो कुछ दवाइयां हैं जो कि इसको, इसका प्रोग्रेशन डिले कर सकती हैं, हॉल्ट कर सकती हैं या स्लो डाउन कर सकती हैं, बट इस बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो वो दवाइयाँ टाइमली लेना ज़रूरी है। उसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ हम पेशेंट को दे सकते हैं जिससे उनके कॉग्निटिव स्किल्स इम्प्रूव हों, जैसे कि कोई पजल सॉल्विंग हो गई, अगर पेशेंट को कोई, जैसे पेशेंट कोई आर्टिस्ट है, कोई म्यूजिशियन है, तो उनको कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करने दिया, या एंड सो ऑन, उनके इंटरेस्ट के बेसिस के ऊपर जो जो एक्टिविटीज़ उनको पसंद है उन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए हमें उन्हें बताना है। मेमोरी के अलावा फिर जो बाकी सिम्टम्स पेशेंट्स में रहते हैं, कोई साइकेट्रिक सिम्टम्स, कोई लो मूड, या फिर कोई स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो उनके लिए भी दवाइयाँ और सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। इसके अलावा जब ये डिज़ीज़ एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है, तो यूजली पेशेंट्स को अपने घर का रास्ता या फिर कहीं जाना आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, तो हम रेकमेंड करते हैं कि उन्हें एक बैंड या कोई ब्रेसलेट पहना दिया जाए जिसपे उनका नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस लिखा हो, ताकि अगर वो कहीं भी गुम हो जाए तो उन्हें लोकेट करना ईजी हो जाए। ये था ब्रीफली अबाउट अल्जीमर्स डिज़ीज़। तो अगर किसी को भी इस तरह के लक्षण है, किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है, तो अपने फैमिली फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।